हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ विजय। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एड ऑन निकोडियम थ्योरम फंक्शन एनालिसिस की फर्स्ट यूनिट से। इसकी स्टेटमेंट क्या है, लेट एक्स बीटा म्यू बी ए सिग्मा फाइनाइट मेजर स्पेस, लेट बी बी मेजर डिफाइंड ऑन बीटा विच इज एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस विद रिस्पेक्ट टू म्यू, देन देयर इज ए नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन एफ सच डेट फॉर ईच सेट ई इन बीटा वी हैव वी ई इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन ओवर ई एफ ए डी म्यू, और ई बिलोंग कर रहा है बीटा से। द फंक्शन एफ इज यूनिक इन द सेंस दैट इफ जी इज एनी मिजरेबल फंक्शन विद द प्रॉपर्टी देन जी इज इक्वल टू है एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू म्यू। सिग्मा फाइनाइट स्पेस है और बी क्या है, मेजर डिफाइंड है किस पे, बीटा पे, और ये क्या है एब्सोल्युटली कंटिन्यूस है विद रिस्पेक्ट टू म्यू के, तो वहां पे क्या करेगी एक नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन एफ सच दैट जो ई सेट है वो ई से है इन बीटा से, ई जो सेट लिया हमने वो बीटा से है। वी ऑफ ई है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल इंटीग्रल ओवर ई एफ डी म्यू, और ई बिलोंग कर रहा है बीटा से, और हमने क्या किया इसमें जो फंक्शन एफ है वो यूनिक है इन द सेंस दैट एफ जी इफ जी इज एनी मिजरेबल फंक्शन विद दिस प्रॉपर्टी देन जो जी है इजिकल टू है एफ के वो भी क्या होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर होगा इन एक्स में विद रिस्पेक्ट टू म्यू। इसके प्रूफ में हम पहले क्या करेंगे, म्यू है उसको फाइनाइट दिखाएंगे, तो इसमें क्या, तो देन वी माइनस अल्फा म्यू इज साइन मेजर फॉर ईच रेशनल अल्फा के लिए, तो हम क्या करेंगे बाय हार्न डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन लगाएंगे कि लेट ए अल्फा कोमा बी वी अल्फा बी ए हार्न डिकम्पोजिशन फॉर बी माइनस अल्फा म्यू और एंड टेक ए नॉट इजिकल टू एक्स एंड वी नॉट इजिकल टू फाइव। नाउ सिंस एक्स क्या है इजिकल टू है ए बीटा यूनियन बी बीटा, एंड जो बी बीटा का कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो क्या देता था ए बीटा, ये हार्न डिकम्पोजिशन की हमने डेफिनेशन अप्लाई की है यहां। फिर क्या था, जो बी अल्फा माइनस बी बीटा वो कंटेन है बी अल्फा में, और ये क्या है जो b है हमारा हार्न डिकम्पोजिशन थ्योरम में वो क्या था हमारा b यहां से क्या था नेगेटिव, तो नेगेटिव की डेफिनेशन लगाएंगे हम, ये जो b अल्फा माइनस b बीटा कंटेन है a बीटा में, तो यहां क्या है यहां जो a बीटा है वो क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सेट की डेफिनेशन लगाएंगे, जैसे कि b अल्फा माइनस b बीटा इजकल टू है b अल्फा और b बीटा की जगह b कॉम्प्लीमेंट, और b कॉम्प्लीमेंट क्या देता था हमें a, और ये किस में कंटेन है a बीटा में, तो यहां से क्या होगा a क्या है पॉजिटिव, तो यहां से इस वाली डेफिनेशन से नेगेटिव वाली लगा दी, क्या मनी b माइनस अल्फा म्यू ब्रैकेट b अल्फा माइनस बी बीटा लेस देन है किससे जीरो से, ये तो लगा दी नेगेटिव वाली, यहां से इसी प्रकार लगाएंगे हम पॉजिटिव की b माइनस बीटा म्यू ब्रैकेट, और फिर क्या होगा बी अल्फा माइनस बी बीटा ग्रेटर देन है जीरो से, ये कुछ नहीं किया यहां से जो नेगेटिव की डेफिनेशन थी ये लगी और यहां से जो पॉजिटिव साइड की डेफिनेशन थी वो लगी है। तो सोल्व करेंगे बी को इसके साथ मल्टीप्लाई और माइनस अल्फा म्यू को इसके साथ और नेगेटिव वाली टर्म को उस साइड ले जाएंगे, तो इस रिजल्ट से हमारे पास ये आ गया। इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे बी की इसके साथ और माइनस बीटा म्यू की इसके साथ, फिर करेंगे नेगेटिव वाली टर्म को उस साइड ले जाएंगे, तो हमारे इससे ये रिजल्ट आगा। और इससे हमने क्या देखा, जो ये बीटा म्यू बीटा अल्फा माइनस बीटा ये लेस देन है इससे और ये टर्म ये है तो ये लेस देन है इससे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जो बीटा है वो ग्रेटर देन है अल्फा से, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है म्यू बीटा अल्फा माइनस बी बीटा क्या दे देगा हमें जीरो। क्यों दे देगा, ये इस रिजल्ट का यूज किया है कि सपोज दैट फॉर ईच अल्फा इन ए काउंटेबल सेट डी ऑफ रियल नंबर देयर इज साइन जीरो सेट, जब बी अल्फा बिलोंग करा बीटा से, तो सच दैट म्यू बीटा लेस देन बी
बी अल्फा माइनस बी बीटा इजिकल टू है जीरो के, तो हमें इससे रिजल्ट मिल गया। और इस थ्योरम में क्या, इस रिजल्ट में क्या क्या गया है, तो देन देयर इज ए मिजरेबल फंक्शन एफ सच दैट एफ लेस देन है अल्फा से ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन बीटा, ग्रेटर देन इक्वल टू है अल्फा से ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन एक्स माइनस बीटा अल्फा। देयर इज ए मिजरेबल फंक्शन एफ सच दैट फॉर ईच रेशनल अल्फा वी हैव एफ ग्रेटर देन है अल्फा से तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ए अल्फा पे, एंड अगर जब ये एफ लेस देन है अल्फा से तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर है किस पे, बीटा पे। क्या है, सिंस अगर वी नोट इज इक्वल टू है फाई तो वी टेक एफ टू वी ए नॉन नेगेटिव, तो यहां से लेट करेंगे ई वी एन आर्बिट्रेरी सेट है किसमें, इस बीटा में, तो एंड सेट लेंगे हम ई के एंड ई इंफिनिटी। तो यहां से क्या गया, जो E के है वो क्या है, E इंटरसेक्शन है बी के प्लस वन बाई एन माइनस बी के बाई एन, और E इन्फिनिटी को क्या लेके चलेंगे हम, E माइनस यूनियन ऑफ बी के बाई एन। जब हम क्या करते हैं इनको दोनों को करते हैं यूनियन लेते हैं, इजकल टू E इन्फिनिटी यूनियन ऑफ और ब्रैकेट यूनियन E के, और ये यूनियन क्या है हमारी डिस्जॉइंट यूनियन, दोनों पे वी अप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो वी ई इजकल टू है बी इन्फिनिटी प्लस बी यूनियन ई के। जो ये यूनियन है वो समीशन में चेंज हो जाएगी के इजकल टू वन से इन्फिनिटी वी के। तो हमने क्या देखा, सिंस जो हमारा ई के है वो क्या है बी के प्लस वन y n माइनस बी के y n इंटरसेक्शन e, ये लेके चले थे हम, जब हम इसमें टू e इंटरसेक्शन बी के प्लस वन y n इंटरसेक्शन और इसका कॉम्प्लीमेंट बी के y n कॉम्प्लीमेंट लेके चलते हैं यहाँ पे, तो कॉम्प्लीमेंट क्या आता है हमारा b का, b के कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें वो a के देता है, सकते हैं हम जो b के था वो हमारा क्या बन गया कॉम्प्लीमेंट करके a के, तो जो e के है वो अगेन सबसेट बन रहा है इनका। We have k by n less than है f less than है k plus 1 by n on e k form the above, ये किससे आया है existence of f, तो यहां से क्या कह सकते हैं हमने क्या किया इन दोनों तरफ क्या किया इंटरसेक्शन ओवर e d mu के रिस्पेक्ट में करते हैं हम इंटीग्रेशन बोथ साइड इसका, जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो यहां से क्या बनेगा के वाई एन इंटीग्रेशन ई के डी म्यू लेस देन है इंटीग्रेशन ई के एफ डी म्यू लेस देन है के प्लस वन एन इंटीग्रेशन ई के डी म्यू। जब हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बन गया, ये इसका क्या बन गया इंटीग्रेशन करेंगे म्यू बन गया, तो यहां से क्या बन गया के वाई एन म्यू ई के लेस देन है इंटीग्रेशन ई के एफ डी म्यू लेस देन के प्लस वन y n म्यू ई के, ये वन इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दिया। तो यहां तो ये हमने यहां इसकी डेफिनेशन लगा सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम वी ई के, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे हम इसको प्रूव करेंगे, प्रूव करने के क्या क्या करेंगे, एक बार तो इसको लेके चलेंगे फिर एक बार इसको लेके चलेंगे। तो दस वी हैव फर्स्ट टेक एल एच एस टू टर्म, तो कैसे लेंगे, ये जो है ये लेस देन है इससे ये लिख लिया इसको टू का नाम दे दिया, ये लेस देन है इससे इसको थ्री का नाम दे दिया। अब इनको सोल्व करेंगे हम, तो हमारे पास टू है ये लेके चलते हैं हम, टू क्या है बी ई के ग्रेटर देन है के वाई एन म्यू ई के, यहां से क्या करेंगे इसमें एड करेंगे बोथ साइड वन बाई एन म्यू ई के, जब ये दोनों तरफ ऐड किया यहां भी ऐड कर दिया और इस तरफ भी ऐड कर दिया तो ये आ गया। तो हमने क्या किया यहां से, जब हम म्यू ई के कॉमन लेते हैं तो के वाई एन प्लस में वन वाई एन, जब इसको सोल्व करते तो क्या बन गया हमारे पास के प्लस वन वाई एन म्यू ई के, और ये किससे ग्रेटर देन था इंटीग्रेशन ई के एफ डी म्यू से, ये फ्रॉम वन से आ गया ग्रेटर देन किससे इससे, तो इसकी जगह ये करती है ये देख लिया। तो यहां से क्या रिजल्ट निकल गया है, ये लिख लिया इस चीज ये ग्रेटर देन है किससे इससे, क्या है इसको इक्वेशन नंबर फोर नाम दे दिया। इसी प्रकार हम इक्वेशन थर्ड जो हम अब इसको सोल्व करेंगे, ये तो सोल्व होगी हमारी, अब इसको सोल्व करेंगे बी ई के लेस देन है के प्लस वन बाय एन म्यू ई के, तो अब क्या करेंगे हम, अब वहां तो ऐड किया था यहां सब ट्रैक्ट करेंगे वन बाय एन
म्यू ई के, जब हमने दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किया, ये यहां भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहां भी कर दिया, इसको ऐसे लिख लिया, तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये म्यू ई के कॉमन ले लिया, तो के प्लस वन बाई एन माइनस वन बाई एन, जब इनको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा के बाई एन म्यू ई के। और फ्रॉम वन से हमें क्या था, ये जो टर्म थी वो लेस देन है इस इंटीग्रेशन से फ्रॉम फर्स्ट, ये देखा था हमने, ये देखो ये लेस देन है इससे, तो हमने ये लिख दिया, तो हमें ये रिजल्ट मिल गया, ये इससे लेस देन है और ये इससे लेस देन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 6 नाम दे दिया। सिंस ऑन ई इंफिनिटी वी टेक एफ इजिकल टू इंफिनिटी ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड इफ म्यू इंफिनिटी ग्रेटर देन है जीरो से, तो वी मस्ट हैव, जो वी ऑफ ई इंफिनिटी निकालेंगे वो इजिकल टू आएगा इंफिनिटी के, यहां से आ गया म्यू इज मेजर, सो म्यू इंफिनिटी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा जीरो से, तो हमने यहां किया गया ग्रेटर देन है और इक्वल टू के दो मिलेंगे इसमें, ये म्यू ई इंफिनिटी ग्रेटर देन है और इक्वल टू है जीरो के। तो सिंस बी माइनस अल्फा म्यू, यहां से म्यू की वो जो वैल्यू थी वो लेके चले थे वो रखती, बी माइनस अल्फा म्यू ई इंफिनिटी इज पॉजिटिव फॉर ईच अल्फा, क्योंकि ये म्यू इंफिनिटी ओ ग्रेटर देन है जीरो से और इक्वल टू है जीरो। इधर केस वी कैन राइट, जो वी इंफिनिटी है उसको हम बाय डेफिनेशन ये लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई इंफिनिटी एफ डी म्यू, इसको लिख सकते हैं हम 7। सिंस इफ, अगर म्यू ई इंफिनिटी अगर हम जीरो लेके चलते हैं तो हमारे पास क्या होगा, बी मस्ट हैव, जो वी ई इंफिनिटी निकालेंगे वो जीरो आ जाएगा हमारे पास, जब हम B is absolutely continuous है with respect to mu। Thus from 6 and 7 से हमें क्या आ गया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जो हमने subtract किया था और फिर वो add करके जो result आया था उससे ये आ गया, इन 6 और 7 से हमारे पास ये आ गया दोनों। Since mu E है वो क्या है हमारे पास finite, तो N is arbitrary, तो B must have, V E है वो क्या आ गया हमारे पास integral E F D mu, ये जैसे कि हमारे पास जो n है आर्बिट्रेरी है लार्ज है तो वो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी को टेंस करेगा, तो यहां से क्या आ गया जो म्यू ई है तो यहां से क्या हो गया ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट ले गया फाइनाइट बाई ए इन्फिनिटी तो जीरो हो गया, तो इसी तरह ये आ गया वन बाई ये फाइनाइट है ये इन्फिनिटी को टेंस करा तो वन बाई इन्फिनिटी जीरो हो गया, तो हमारा जो वी ऑफ ई है वो क्या आ जाएगा इक्वल टू ये। Now to show that this theorem is proved from sigma finite mu, then we decompose x into countable union of x i's of finite measure. So applying the same argument we get the required function, जो x की union लेके चलेंगे वो x i's r क्या हो गए finite हो जाएगी। अब हम uniqueness prove करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं हम कि जो f इजिकल टू है वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर म्यू के प्रूव करना है, और नॉट इक्वल टू होगा तो हमारे पास दो केस बनते हैं, एक तो ग्रेटर देन g या f ग्रेटर देन है g से और g ग्रेटर देन है f से, तो हम यूनिकनेस वाला पार्ट करते हैं अब इसका। टू प्रूव द सेकंड पार्ट लेट g बी एनी मिजरेबल फंक्शन सेटिफाइज, तो g मिजरेबल है तो हम इसकी डेफिनेशन लगा लेंगे, v ऑफ e क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर e g d mu, और e कहां से बिलोंग कर रहा है बीटा से, और फॉर ईच n, n बिलोंग कर रहा है n से, ए n और v n डिफाइन कर लिया, जब x इसमें कैपिटल x में बिलोंग करता है तो एफ एक्स माइनस जी एक्स वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है वन बाई n, और ये बिलोंग कर रहा है बीटा से, इसी तरह v n डिफाइन किया, v n क्या होता है ये f और g लेके चले ना उनके लिए क्या होता है ए एन और वी एन डिफाइन किया है, तो यहां से क्या गया एक्स प्लस कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहा है, और जब हम जी एक्स माइनस एफ एक्स लेके चलते हैं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है वन बाई एन, तो यहां से क्या देखा हमने सिंस जो एफ एक्स माइनस जी एक्स है हमें क्या है ग्रेटर देन है इक्वल टू है वन बाई एन, तो यहां से जो एक्स एन एक्स है वो बिलोंग करा एन से, जब हम अप्लाइंग
करेंगे इंटीग्रेशन इसके बोथ साइड, तो यहां से क्या आ गया इंटीग्रेशन अप्लाई बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया ए एन एफ माइनस जी डी म्यू, ये ग्रेटर देन, जब इसको सोल्व करेंगे कॉन्स्टेंट टर्म को तो हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद ये आते वन बाय एन म्यू ए एन। हम बाय लिनियरिटी हम क्या करेंगे इनको सेपरेट कर देंगे, सेपरेट करके इंटीग्रेशन को लिखेंगे म्यू, ये ना ये क्या आ गया इंटीग्रेशन ए एन एफ डी म्यू माइनस इंटीग्रेशन ए एन जी जी डी म्यू ग्रेटर देन है वन बाय एन म्यू एन, कुछ नहीं किया गया इसको, वो सेपरेट करके लिख के गया रिजल्ट मिला बी ए एन माइनस बी ए एन ग्रेटर देन वन बाय एन म्यू ए एन। तो क्योंकि क्यों जो पीछे बी ई है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन, ईवी को इसको भी बाय डेफिनेशन ऐसे लिख सकते, तो हमने ये उन पिछले में पुट कर दी तो हमें ये रिजल्ट मिल गया। तो ये जब इसको कटेंगे तो ये जीरो आ गया, अब क्या होगा जो म्यू ए एन है वो लेस देन आ गया जीरो से, जब इसको ये इस साइड जीरो ये तो जीरो है जगह वन बाय एन, तो म्यू ए एन वो बन गया लेस देन इक्वल टू है हमारे जीरो के। तो सिंस म्यू ए एन है वो कैन नॉट बी नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वहां से क्या आ गया इक्वल बन जाएगा इसके। इसी तरह हम म्यू बी एन को लेके चलेंगे, म्यू बी एन जैसे ये म्यू ए एन जीरो है वही उसको सेकंड बी को जो ए एन बी एन लेके चलेंगे ना, अब बी एन वाले को सोल्व करेंगे, तो हमने यहाँ से इसी जो फर्स्ट रिजल्ट प्रूव किया उसी से हमने लिख दिया भाई इसी प्रकार जो म्यू बी एन है वो हमारा जीरो आएगा। तो दस इफ वी टेक सी इजिकल टू क्या है x बिलोंग करा कैपिटल x से और एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स, वो तो जब क्या था कि भाई जब एफ एक्स इजिकल टू जी एक्स है तो वहां से क्या दो केस में रहते या तो f ग्रेटर देन है g से या फिर g ग्रेटर देन है f से। अब हमने क्या किया c मानना, तो वो क्या है वो जब एफ एक्स नॉट इक्वल टू है जी एक्स के, तो यहां से क्या होगा हम इसको कैसे लिख सकते हैं ये यूनियन है किसकी ए एन यूनियन बी एन की। तो यहां से हमने क्या देखा जो हमारी यू ए एन है वो जीरो आ रहा था जो हमने ऊपर रिजल्ट किया है, ये इसको सोल्व करें यू ए एन जीरो आ रहा बी ए एन जीरो आ रहा। जब हम क्या करते हैं यूनियन किस में चेंज होती है एडिशन में, तो म्यू सी को कैसे लिख सकते हैं जब इस पे ये म्यू अप्लाई करेंगे म्यू और यहां पे भी म्यू अप्लाई करेंगे, जब हमने क्या किया इंटरसेक्शन को हमने एडिशन में चेंज कर दिया प्लस लगा लिया, जब हमने देखा म्यू ए एन जीरो है और म्यू बी एन जीरो है यानी कि म्यू सी क्या आ गया हमारे पास जीरो। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो एफ इजिकल टू जी है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑलमोस्ट एवरीवेयर विद रिस्पेक्ट टू म्यू, यही हमें प्रूव करना था। अगर हम इस थ्योरम को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं तो ये बहुत ही इजी थ्योरम है। क्या क्या स्टेप बनती है इसमें, फर्स्ट स्टेप बनता है कि म्यू का हम फाइनाइट दिखाएंगे, और फिर क्या है जो हमारे पास बी नोट है वो फाई दे रखा है, तो हम क्या करेंगे एफ को नॉन नेगेटिव पे ई कोई भी आर्बिट्रेरी सेट लेंगे बी से, तो वहां पे ई के और ई इन्फिनिटी लेके चलेंगे। फिर क्या करेंगे हम ये प्रूव करने के बाद सेकंड स्टेप में, फिर हम थर्ड में ये लेके चलेंगे कि अगर हमारे पास f एग्जिस्टेंस करता है तो हमारे पास ये कंडीशन बनती है। फिर हम क्या करेंगे इस रिजल्ट को प्रूव करके दिखाएंगे, एक बार ये पार्ट लेके एक बार ये पार्ट लेके। फोर्थ पार्ट में हम क्या करेंगे सिंस अगर e इन्फिनिटी पे है और f इजिकल टू है इन्फिनिटी वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर होगा, क्या मानते हैं अगर म्यू अगर साइन मेजर लेके चलते हैं म्यू ई इन्फिनिटी ग्रेटर देन है इजिकल टू जीरो के, तो हमारे पास ये क्या क्या बनते हैं तो वो ग्रेटर देन होगा या फिर क्या होगा इक्वल टू होगा, यानी म्यू ई इन्फिनिटी या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या उसके इक्वल होगा, ये दो केस बनते हैं उसको सोल्व करते हैं हम फोर्थ स्टेप में। और फिफ्थ जो फिफ्थ स्टेप है हमारे पास उसमें क्या है हम यूनिकनेस प्रूव करते हैं, तो ये थ्योरम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो वो ईजी है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।